हेलो फ्रेंड, मैं अलवेला जी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अलवेला स्टूडियो मिक्सिंग सीखें। आज मैं आप लोग के बीच में कुछ नई मिक्सिंग का लेकर आया हूं, जो कि स्टार कलाकार में कुछ ऐसा डिले वगैरह है जो कल मैंने डाला था, उसका दूसरा सेटिंग बताया था लेवल। आज जो मैं बताऊंगा उसका दूसरा लेवल रहेगा और मिक्सिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि हर रिकॉर्डिस्ट स्टूडियो का या हर सिंगर का तमन्ना होता है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीका का मैं क्वालिटी वोकल बनाऊं और मेरा काम किया हुआ लाखों के बीच में मेरा गाना बजे। तो मैं आपसे मैं यही छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे अलवेला स्टूडियो से बने रहिए, और अगर हमारा काम किया हुआ मिक्सिंग सीखना चाहते हैं कि भैया मैं बेहतरीन से बेहतरीन काम करूं, तो पूरे इस वीडियो में देखिएगा जो इसमें मैं आज लेवल लगाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें मेरा कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसके पहले हम क्या करेंगे कि एक कोई ऐसा अपना पसंदीदा चीज़ उठा लेंगे जो कि लगाया जाता है आवाज़ वोकल उठाने के लिए। तो देखिए कुछ भी मेरा नहीं है, सारा चीज़ को हम यहाँ पर आप लोग का दिखा दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई चीज़ भी नहीं लगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें उठाने के लिए अपना कोई फेवरेट चीज़ ले लेना है, जो कि कई आप लोग का सेटिंग बताया हूँ। अगर वो सेटिंग आप लोग का नॉलेज नहीं है तो आज फिर मैं आपको लगा के बता दे रहा हूँ। तो इसमें से कोई अपना एक पसंदीदा चीज़ ले लेना है आप लोग का, ठीक है। तो एक मैं ले लेता हूँ अपना पसंदीदा चीज़, कोई सी भी ले लेता हूँ। चलिए मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से आपको 5 कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको 15 कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 30 कर देना है, ठीक है। और इसको छेड़छाड़ सेटिंग नहीं करना है। उसके बाद हम देखते हैं मेरे भोगल क्या हो रहा है। थोड़ी के हो मारा के चली जाई तू ये हो जान ससुरा में। ससुरा में देखिए अभी इसमें क्या है कि ऑलरेडी सैंपल वोकल है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक ऑटो ट्यून लगा लेना है, चाहे जो से भी आपका ऑटो ट्यून रहे उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरा 81 सेकेंड, मैं पहले टेम्पो नाप लेता हूँ, है ना, क्योंकि टेम्पो से पता क्या लगता है कि मेरा कितना स्पीड के था गाना, ठीक है। तो मेरा था 114 का शायद गाना है, एक मिनट देख लेता हूँ, 114 का ही होगा शायद, पहले देख लेने दीजिए म्यूजिक से, पहले देख लीजिए। छोड़ी के हो ये 1 मिनट थोड़ा सा छोड़ी के हो मारा। हाँ, तो यानी मेरा है 114 का स्पीड का, ठीक है ट्रिक। तो 114 का है, तो आप लोग को बताया था मैंने कि 114 20 130 तक आप लोग का ए सर्फ मेजर लगेगा, तो आपको मेजर लगा लेना है। इसको बिल्कुल फुल कर देना है, इसको जीरो कर देना है, इसको जीरो कर देना है, इसको जीरो कर देना है, इसको फुल कर देना है, ठीक है। बट ये जो सेटिंग है ना, इसको आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। कुछ इसमें सेटिंग आता है, इसका भी आपको नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं, उसका मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। उसके बाद मुझे दूसरा इफेक्ट कोई ले लेना है अपना पसंदी को, तो दूसरा इफेक्ट आपको इसका बारे में बताया था मैंने सेटिंग, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग का सेटिंग बताया था, इसको थोड़ा सा नॉर्मल आप लोग कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चल जाना है फिर तीसरा इफेक्ट की ओर चलना है। तीसरा इफेक्ट की ओर से एक आपको ले लेना है ये चीज़ को, ठीक है। ये आपको यहाँ से यहाँ कर देना है, ठीक है। आप कहिएगा सर जी ये जो तीनों बताए हैं इसका क्या मैं, तो ऑटो ट्यून को तो आपने मैंने बताया ही बताया, ये जो यूटिलाइजर होता है कि गला को एकदम क्लीन रखता, लगता है गला में एकदम राग बना दिया, ठीक है। UQ8 लगाते तो इसका है कि एकदम गला को एकदम फ्रेश करता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और मैं ले लेता हूँ जो कि मेरा पसंदी है, मेरा पसंदी इसमें से आपको ए ले लेना है, ए 1 मिनट ए आप लोग ले लीजिएगा। इसका का ये क्या है सर, तो ए आपको मक्खन जैसा आपको वोकल बना दिया, जैसे ही लगाइएगा तो आपको मक्खन बना देगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक और ले लेता हूँ, एक और इफेक्ट क्या ले लेना है आपको, एक इफेक्ट और मैं ले लेता हूँ, चलिए एक इफेक्ट और से ले लूँ। 1 मिनट कहाँ है जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ, जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ कहाँ है मेरे दोस्त, छिपा हुआ। चलिए
इसको ले लेता हूँ। अब मैं सुनता हूँ। मैं बता दूं कि अगर आपका लेवल कम रहता है, जो लास्ट में मैंने ए लगाया, ठीक है, ये लगाया, तो थोड़ा सा आपको ये जो लास्ट में मैंने लगाया है ना, इसको थोड़ा सा आपको सेवन कर देना है, क्योंकि वोकल मेरा चपा हुआ था। आपका ये अगर सर जी ए लगाया ऐसा किया है, ए मेरे दोस्त इतना बेहतरीन चीज वेव का प्लगइन है, इतना अच्छा खूबसूरत का वोकल का हिंदी गाना में लगाया जाता है अक्सर स्टूडियो में। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि वही प्रोसेस पे जाना है, एक इफेक्ट चैनल बना लेना है। इफेक्ट चैनल बनाने के बाद एक ले लेना है आपको रिवर्ब, डिले ले लेना है। तो डिले के लिए आपको, चलिए आज मैं पिंग पोंग डिले ले लेता हूँ। पिंग पोंग डिले लेने के बाद इसको आप लोग का आज सेटिंग इसको बता देता हूँ, 1/32 का सेटिंग आप लोग का बता देता हूँ। इसको आप लोग रख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसको आप लोग 35 मार दीजिएगा, इसको मिक्स आप लोग मार दीजिएगा, चलिए इसको 40 आप लोग रखिएगा, ठीक है, नहीं 40 नहीं, इसको 30 कर देते हैं, 30 से 35 रख लीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट, 35 हो जाइए, 35 इसको कर दे रहे हैं। 35 करने के बाद इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर नीचे वही प्रोसेस पे आना है। ये प्रोसेस पे आने के बाद इसको क्या करना है कि एक रिवर्ब ले लेना है अपना पसंदी रिवर्ब। तो रिवर्ब में आपको चलिए रिवर्ब में आपको ए ले ले रहा हूँ आज, ठीक है। इसका भी सेटिंग आपको बताया था मैंने, इसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको काट देना है। काटने के बाद कुछ वही प्रोसेस पे जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको अपना हिसाब से -6.32 कर देना है, ठीक है। अब इसको माइनस आपको कर देना है -21.32, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, इसके पहले ये सुन लीजिए। छोड़ी के हो मारा के चली जाई तू ये हो जान ससुरा में, ससुरा में गाना है जो सुनिए। छोड़ी के हो मारा के चली जाई तू ये हो जान ससुरा में, तबोला कहिया मिले आइबू हमारा गलिया में। तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा वोकल कितना टाइट हो चुका है। कुछ कमेंट आ रहा था कि सर जी हम लोग लगाते हैं तो इस तरीका का टाइट वोकल नहीं होता है। तो आप लोग कॉल कीजिएगा, आप लोग कुछ क्यूएस के अंदर है जो सेटिंग का आप लोग का प्रॉब्लम कर रहा है, वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो चलिए आज जो मैं डिले बता रहे, तो डिले मेरा है सिर्फ बाहर का, ठीक है। अब अंदर मुझे कान में बांध के मारना सुनाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-0 खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 2-0 खुला हुआ था, यहाँ पे आपको एक लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के लिए यहाँ पे आपको 80 मार देना होगा, ठीक है, जो कि खेसारी जी का गाना में लगता है। अब इसको सुनिए। छोड़ी के हो मारा के चली जाई तू ये हो जान ससुरा में, हो मारा के चली जाई तू ये हो जान ससुरा में, तबोला कहिया मिले आइबू हमारा गलिया में, तबोला कहिया मिले आइबू। तो अभी हम इसको देखे कि ऑलरेडी मेरा गाना मिक्सिंग हो चुका है। अब इसको हम जरा सो ट्रैक से सुन के देखते हैं, ट्रैक से मेरा मजा कैसा आता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी लग रहा होगा चुम्बा के सर जी ट्रैकवा से बजा के एक बार सुनाइए हमको, तो ट्रैक से बहुत बेहतरीन होगा। मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, करके कमेंट करने से हमको जानकारी मिलता है कि आप हम लोग
हमारा काम किया हुआ से कितना प्यार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले ट्रिक से सुनाते हैं, उसके बाद एक लास्ट सेटिंग है उसको आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, ये जो लगाया है खेसारी लाल जी का लिख लीजिए, खेसारी लाल जी के गाना में ऐसे ही लेवल लगता है अक्सर, क्योंकि जहाँ मैं काम सीखता था वहाँ खेसारी भैया जितना स्टार स्टार कलाकार सारे आते थे, तो वहाँ मैंने लेवल मेरा गुरु का लगाते हुए देखता था, मैं सिखाते थे मेरा गुरु, ठीक है। चलिए छोली के हो मारा के चली जई तुए हो जान ससुरा में, छोली के हो मारा के चली जई तुए हो जान ससुरा में, तब बोला कहिया मिल अइबू हमारा गलिया गलिया। तो ऑलरेडी मेरा देखे कि गाना मिक्सिंग हो चुका है, और जो एज का सेटिंग जो मेरा लाइलिंग चल रहा है, एज चल रहा है, ये मेरे दोस्त बहुत बेहतरीन चीज है और बहुत अच्छा खासा वोकल का मिठास और घी मक्खन जैसा कर देता है। आप लोग इसको लगाना भूलिएगा नहीं प्लीज।